हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ अध्याय 3 जो चल रहा है उसका 10वें प्रश्न से आगे के सॉल्यूशन। इसके पहले 9 तक के प्रश्नों के सॉल्यूशन मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दिए हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो यहाँ ऊपर जो लिंक आ रही है उसको क्लिक कीजिए तो आप उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे। एक बात और कहना था, आप लोगों के जो मॉडल पेपर आया हुआ है वो केवल एक पेपर का पैटर्न है, प्रारूप है, मतलब एक डिजाइन बना के बताई गई है। पेपर आपका इसी प्रश्न बैंक से आना है तो इस प्रश्न बैंक को बहुत अच्छे से सीख लें और समझ लें। मैं आपकी यहाँ पे मदद कर रहा हूँ। मेरे साथ इस वीडियो को देखिए और समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं हम अपना 10वां प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा था, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, मतलब दो व्यक्ति कितने के हिसाब से कमाते हैं, 9 और 7 के हिसाब से, और खर्च कितने करते हैं, 4 और 3 के हिसाब से। यदि वो लास्ट में 2000 रुपये बचा लेते तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देख लें, लिखें, माना दोनों व्यक्तियों की आय का जो अनुपात है 9x और 7x, आय कितनी है x के रूप में तो 9x और 7x बना लिए, खर्च जो है y के रूप में मतलब 4y और 3y बना लिए। बहुत अच्छे समझिएगा बच्चों। अब देखिए, पहला व्यक्ति क्या था, 9 रुपये कमाता था, 4 खर्च कर देता था तो बचते थे उसके पास लास्ट में 2000 रुपये, मतलब x और y कुछ भी हो सकते, तो 9x कमाता था, 4y खर्च कर देता था, 2000 बचा लेता था। दूसरा व्यक्ति 7x कमाता है, 3y खर्च कर देता है और 2000 बचा लेता है। इनको समीकरण के रूप में हमने बना लिए। अब हम यहाँ पे क्या लगाएं बच्चों, विलोपन विधि लगा रहे हैं। देखें आप, विलोपन विधि में क्या किया जाता है, x के मान या y के मान एक जैसे बना लेते। चलिए यहाँ हम x का मान बना लें। नहीं भाई साहब, x का मान नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है विलोपन विधि हल करते समय। जितना छोटे से छोटा गुणा करना पड़े उतना छोटे से छोटा गुणा कीजिए। अब x में देखो ये 9 है, ये 7 है, यहाँ y में देखो 4 और 3 है, ये ज़्यादा छोटे मान देख रहे थे, इनमें हम कर लें। तो हम इस 3 को इस पूरे में गुणा कर दें, देखें, और इस 4 को इस पूरे में गुणा कर दें, क्योंकि 3 और 4 का आपस में कोई संबंध नहीं होता, एक दूसरे के पहाड़ा में तो ये आते नहीं हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 3 का इस पूरे में गुणा करेंगे तो ये 3 चौके 12 हो जाएगा, और इस 4 का इसमें 3 में गुणा करेंगे तो ये 4 दिया 12, तो दोनों 1 से मिल जाएंगे। देखें हम समीकरण 1 में 3 का एवं समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, कर दो हम समीकरण 1 में 3 का गुणा, इसमें जब करें 3 का गुणा, ये 3 का गुणा, ये 3 का गुणा, ये 3 का गुणा, 9 * 3 = 27x, 3 * 4 = 12y, और 3 का 2000 में गुणा करें तो 6000, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये जो आपका समीकरण 2 था, 7x 3y 2000, इसमें 4 का गुणा कर दो, 4 का जब 7x में गुणा करें तो 4 * 7 = 28x, 4 * 3 = 12y, और 4 का 2000 में गुणा करें तो 8000 आ गए। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये मिला हमें समीकरण 4 और ये मिला समीकरण 3। अब जब इसमें हम घटाते हैं तो फिर दूसरी चीज़ याद करने रखने लायक आपके लिए, पीछे देखना है मान, ये 8000 ये 6000, तो हमेशा क्या करना, बड़े वाले से छोटे वाले को घटाओ, तो 8000 में से 6000 मतलब कि 4 से 3 को घटा दो, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर घटा दो, समीकरण 4 ये था 28x - 12y = 8000, 27x + 12y = 6000, घटा दो, यहाँ कोई निशान नहीं, प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, घटाए जब हम 28x में से 27x गए तो बचे केवल 1x, तो 1 नहीं लिखा जाता, केवल x लिख दिया। ये ऋण के 12y, ये धन के 12y, तो ये क्या हुए, कट गए, तो ये आ गया x = 2000, मतलब x = 2000, कैसे 8 में से 6 चले गए तो बचे 2000, x = 2000, समीकरण नंबर 5। अब हम क्या करें, समीकरण 5 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था, ये रहा 7x + 3y = 2000, यहाँ पे x की वैल्यू 2000 रख दिए, 7 * 14000 - 3y = 2000, 14000 का इस साइड ट्रांसफर करें, जब हमने ट्रांसफर करें तो ये होगा इस साइड आके माइनस के, 3 - 3y = 2000 - 14000, 2000 जब में से जब 14000 गए तो बचे ऋण के 12000, और यहाँ ऋण के 3y थे, अगले स्टेप में ऋण से ऋण कट गया, 3 * 3 = 3, 3 * 4 = 12, और ये 0 तो आ ही गए यहाँ पे, तो आ गए y = 4000। ठीक है, तो ये आ गया वाई का मान। अतः लास्ट में आपको उत्तर लिखना है, उत्तर जरूर लिखना है आपको हर प्रश्न में, प्रश्न में पूछा क्या गया है उसको बताना है। इसमें क्या पूछा गया है, उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए दोनों की, तो अपन क्या लिखेंगे, अतः अभीष्टल व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः कितनी है, 9x मतलब 9 * 2000 मतलब कि 18000 रुपये, और 7x मतलब 7 * 2000 मतलब 14000 रुपये। यहाँ पे हमारा बच्चों 10वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। बात करते हैं अब हम अपने 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरण युग्म
दो एक्स धन वाई बराबर 5 और 3x धन 2y बराबर 8 जो है इसके लिए हमको हल करना है कि कौन सा मान इसमें निकलेगा। देखें दिया गया समीकरण योग में है 2x धन y बराबर 5, 3x धन 2y बराबर 8, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, ये फॉर्म होता है, रूप होता है ax plus by is equal to c। अच्छा अगर दो मान होते तो ये a1 b1 c1, दूसरा होता a2 b2 c2। यहाँ पे फिर से लिख लो आप ax by c। अच्छा इनको मान दे तो 1 1 1, 2 2 2, तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस रूप में ये होते हैं। देखें a1 का मान होगा 2, b1 का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1, c1 का मान 5, a2 का मान 3, b2 का मान 2, c2 का मान 8, ये आ गए। अब हम इनको एक दूसरे के बटे में रख के देखें, ये रख इसको इसके बटे रख दो 2/3, इसको इसके बटे 1/2, 5/8, इनको जरा गौर से देखो ये कहीं आपस में संबंध दिख रहा है इनका कोई, ये 2/3 इसके बराबर है नहीं है भैया, और ये इसके बराबर नहीं है, मतलब कि स्पष्ट है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 और ये बराबर नहीं c1/c2। अतः समीकरण निकाय का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, और जब अद्वितीय हल होता है तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसको हल करना पड़ता है। अद्वितीय हल करने की कंडीशंस होती है कुछ, कैसे हल किया जाता है ध्यान से देखिएगा आप लोग, हम क्या करें ये कंडीशन लगा देंगे इस तरीके से। अद्वितीय हल जब होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, वज्रगुणन विधि लगानी पड़ती है। तो ये वज्रगुणन विधि ये है, x/, ये सूत्र होता है, रखते हैं हम इसको सूत्र लिख दिए हमने, मान रख दो इसमें हम, तो ये x y-1 ये जो कहते हैं लिखे थे मान रख दो b1 c2, मतलब ये b1 का मान 1, देखें आप एक मिनट, ये देखिए ये आ गया b1 c2 - b2 c1। देखें b1 का मान कितना था, 1 रहा, c2। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इस तरीके से कनेक्शन होते हैं कि ये आपस में चलते हैं। एक बार और यहाँ लिख दो a1 a2 बराबर कितना, 2 और 3, इनके भी आपस में कनेक्शन। देखो इसका इसमें गुणा होगा, 1 का 8 में ये हो रहा है, देखो 1 का 8 में, फिर 2 का 5 में ये हो रहा है, 2 का 5 में, फिर इसके बाद अगले स्टेप में क्या है, c1 a2, मतलब ये c1 और ये a2, मतलब 5 का 3 में गुणा, 8 का 2 में गुणा, ये हो रहा है। पर एक अगला स्टेप होता है ए और बी का कनेक्शन, a1 b2, तो देखो a1 b2, मतलब 2 का 2 में और 3 का 1 में, ये हो रहा है। ये देखें आपके सामने पूरा है, अब इसको हम सॉल्व करें। x तो ठीक है, 8 एकम 8, 2 पंचे 10, y 5 3 15, 8 2 16, ऋण 1, 2 2 4, 3 एकम 3, मतलब ऋण 3। अब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, आगे सॉल्व करें, 8 में से 10 गए तो बचे ऋण के 2, 15 में से 16 गए तो बचे ऋण के 1, और ऋण 1/1 तो रहा ही, यहाँ पे जाऊँ खत्म। अब इसको हम देखें, ये जो है ये स्टेप एक बार इसके साथ लिख लो और एक बार ये स्टेप इसके साथ लिख लो, ये लिख दिए। देखें x/(-2) बराबर -1/1, और ये वाला इसके साथ लिखे y/(-1) बराबर -1/1। यहाँ से 2 का पक्षांतर करें, जब -2 का पक्षांतर सेट करें, देखो नीचे के 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ -1 था, ये रहा -1, ये -2 इसके साथ आया, तो ऋण और ऋण हो गए धन, और 2 एकम 2, x/(2) आ गया। सेम यहाँ बाजू वाली कंडीशन में y/(-1) था बराबर -1/1 था, 1 का तो कोई माने नहीं है, -1 का हमने इस साइड पक्षांतर कर दिया, तो ऊपर आया -1 और -1, मतलब ऋण ऋण हो गए धन, और 1 एकम 1, तो y का मान आ गया 1। अतः अभीष्ट हल x/(2) और y/(1). लास्ट में आप ये पूरा उत्तर आपको लिख देना है, क्या लिख दोगे, अतः x का मान कितना आएगा, 2, और y का मान आएगा 1। यहाँ पे 12वां प्रश्न है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म जो है अपरिमित रूप से अनेक हल दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखें आप, अपरिमित रूप से अनेक हल की क्या कंडीशन होती, सबसे पहले तो हम इस सवाल को लिखते हैं। ये सवाल था kx(3y - k-3)0, 12x(ky - k)0, ये a1 का मान, ये a2 का मान, ये b1 का मान, ये b2 का मान, ये c1 का मान, ये c2 का मान। अभी हम आपको बता चुके कैसे और क्यों होगा, ठीक है, पिछले सवाल में बताया है मैंने। अब प्रश्न क्या कह रहा है, यदि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तब अगर अनेक हल होते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन होती है, कौन सी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इनके मान रख दो, मान रखेंगे कहाँ से, ये है मान a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनके मान रख दो, रखेंगे जब हम मान, तो हम आपके सामने डायरेक्ट यहाँ मान रख के बता रहे हैं,
A1 का मान k, A2 का मान 12, B1 का मान 3, B2 का मान k, C1 का मान k-3 और C2 का मान k। ये ऋण से ऋण खत्म। अब देखो, चूंकि सब बराबर है, राम श्याम का सगा भाई है और श्याम बलराम का सगा भाई है, तो तीनों सगे भाई होंगे, तो दोनों भाई को एक साथ ले लें, कोई भी दो भाई को। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर रख दो और एक बार इसको इसके बराबर रख दो, रख दो। तो k बटे 12 बराबर 3 बटे k रख दिए, k का k में गुणा हुआ, तो k गुणित k मतलब k स्क्वायर, 12 का 3 में गुणा हुआ, 12 दिया 36। अब जब 36 को हल करेंगे हम, तो बच्चों ये आ जाएगा k बराबर √36 या k बराबर प्लस माइनस के 6। सेम दूसरी कंडीशन बाजू में चल रही है, 3 बटे k बराबर k माइनस 3 बटे k रहा, ठीक है। इसको सॉल्व करें, ये जो k था इससे k कट गया, बचा 3 बराबर k माइनस 3। अब यहाँ से हम क्या करें, इस 3 का पक्षांतर कर दिए इस तरफ, ये इस साइड आए तो प्लस के होगा, 3 × 3 मतलब बराबर k, या 6 बराबर k या k बराबर 6। लास्ट में देखें आप, दोनों मान एक से मिल गए, k बराबर यहाँ भी 6 मिला, यहाँ भी 6 मिला। अतः अभीष्ट हल k बराबर 6 के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पारी आई बच्चों 13वें प्रश्न की, 12वां प्रश्न हो गया। 13वां प्रश्न है, समीकरण युग्म x प्लस y बराबर 14, x माइनस y बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि हमने अभी आपको करके बताई थी, एक बार फिर से देख लें आप इस वीडियो में भी। दिया है x प्लस y बराबर 14, x माइनस y बराबर 4। देखो लिखना आपको इसी पैटर्न में दिया गया, समीकरण युग्म में है x प्लस y बराबर 14, x माइनस y बराबर 4। समीकरण एक बना लो, समीकरण दो बना लो। अब हम लगा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। इसमें प्रतिस्थापन विधि के लिए कोई भी एक समीकरण ले लो, जो भी अच्छा सा लग रहा है। हम यहाँ पे दूसरा वाला ले लिए समीकरण दो से। समीकरण दो रहा x माइनस y बराबर 4, y का पक्षांतर करें तो इस साइड आकर प्लस का हो गया, 4 प्लस y, x इज इक्वल टू 4 प्लस y, 4 धन y। समीकरण तीन बना लो, मान लिए समीकरण तीन। समीकरण तीन से x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या था आपका x प्लस y बराबर 14, यहाँ पर रख दो x की जगह पे क्या 4 प्लस y, तो ये जो पूरा x रहा इसकी जगह हमने 4 प्लस y रख दिए, रख दिए 4 प्लस y। इस 4 का पक्षांतर कर दो इस तरफ, और ये y और ये y आपस में लिख दिए, y और y 2y, 14 में से 4 गए बचे 10। अब ये आया 2y बराबर 10, 2 × 2 = 2, 5 = 10, तो y बराबर कितना आ गया 5। समीकरण नंबर 4 आ गया, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर, बच्चों पिछला वीडियो जाके देखो, उसमें बहुत अच्छे से मैंने प्रतिस्थापन विधि की जो ट्रिक है वो बताई है, कैसे इसको हल किया जाता है। इसमें मैं सीधे बता रहा हूँ आपको, समीकरण 4 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था आपका, ये रहा x बराबर 4 धन y, y की जगह 5 रख दो, रख दिए तो 4 × 5 = 9, ये आ गया x बराबर 9। अतः अभीष्ट हल क्या आ गए, x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। यहाँ पे हमारा 13वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। बात करते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की, जो है 14वां प्रश्न, 2x + 3y = 11 और 2x + 4y = 24 को हल कीजिए। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए, देखें पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखो दिया गया समीकरण ने कहा है 2x + 3y = 11, 2x + 4y = 24, समीकरण नंबर 2 ये हो गया और ये 1 हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कोई भी कंडीशन लगा दो, विलोपन या प्रतिस्थापन। अब देखो यहाँ x एक जैसे हैं तो विलोपन बहुत अच्छे से लगेगी, तो लगा दो x एक जैसे मिल गए हैं, तो विलोपन विधि में क्या करें, समीकरण एक से समीकरण दो को घटा दो, घटा दिए हम, ये लिखे समीकरण एक, ये लिखे समीकरण दो, घटा रहे हैं तो ये निशान नीचे के बदलेंगे, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये माइनस था तो प्लस, 2x और 2x कट गए क्योंकि ये प्लस और माइनस के थे, कट गए 3y धन के और ये 4y धन के, तो 3 और 4 7y, 11 धन के और 24 भी धन के, 11 24 35। अब हम क्या करेंगे, 7y बराबर 35 आया तो 7 × 7 7 × 35, तो y का बराबर आ गया 5, समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करें, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रहा 2x + 3y = 11, इस y की जगह पे 5 रख दो, रख दिए 5, इसको हल करें, 3 × 5 = 15, 15 का इस साइड ट्रांसफ़र कर दिए तो इस साइड आके ऋण का हो गया, 11 में से 15 गए तो बचे ऋण 4, और यहाँ ये 2x तो चल ही रहा था, अब 2 × 2 = 2, 2 × 4 वो भी काय के
माइनस की, तो x बराबर आ गया ऋण दो। अब प्रश्नानुसार अब हमें क्या ज्ञात करना है, m का मान। देखें आप प्रश्न पे एक नज़र फिर से, प्रश्न क्या कह रहा था, y बराबर mx प्लस 3 से हमें क्या रखना है, y बराबर mx प्लस 3 लिखना है और हमें m का मान निकालना। तो ये है भैया वो इक्वेशन, y बराबर mx प्लस 3, यहाँ पे x और y के मान रख दो। x का मान मिला था हमें कितना, ऋण के 2, और y का मान मिला था 5, तो ये y का मान 5 रख दिए और x का मान ऋण 2 रख दिए। इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो इसका 3 का पक्षांतर करें, 5 में से 3 गए तो बचे 2, ये ऋण के 2 का जब m में गुणा हुआ तो ऋण 2 m हो गए, 5 में से 3 गए थे तो 2 बचे थे, ऋण 2 m रहा तो 2 से 2 कट गए तो बचा कितना 1 बराबर ऋण m। और ये भैया x y z जो कुछ भी संख्याएं होती हैं ये कभी ऋण में नहीं लिखी जाती, तो ऋण का हम पक्षांतर कर दिए इस तरफ, तो m बराबर आ गया ऋण के 1, तो ये आ गया m का मान। अतः m का मान कितना होगा, -1 होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे ये प्रश्न 14 भी कंप्लीट हो गया। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न 15 है दो संपूरक कोण, यहाँ पे प्रश्न है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, देख लें आप इसको, लिख लें आप क्या लिखें, माना बड़ा कोण x और छोटा कोण क्या है y है। बड़ा कोण क्या मान लिए, x मान लिए, छोटा कोण हमने क्या मान लिए, y मान लिए, x और ये y। अब हम जानते क्या, किन्हीं दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। दो संपूरक कोणों को अगर हम जोड़ें तो उनका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो लिख दिए x रहा एक कोण, एक था y, तो x प्लस y बराबर 180 अंश। मगर प्रश्न में एक बात और कह रहा है, क्या कह रहा है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब बड़े कोण का मान अगर छोटे कोण में 18 जोड़ दो तब उसके लेवल पे आ जाता है। तो यहाँ से हमने ये लिख दी कंडीशन, y का ट्रांसफर करें, x माइनस y बराबर 18। अब जरा गौर से देखिएगा, ये है समीकरण एक, x प्लस y बराबर 180 ये, और x माइनस y बराबर 18। देखें जरा x y एक से मिल रहा है भैया, विलोपन विधि लगा दो। ये लिख दिया हमने समीकरण, एक और दो को जोड़ दो। जोड़े क्यों, क्योंकि देखो ये y धन का था और ये y ऋण का था, तो धन और ऋण रहे तो वैसे ही कट जाएंगे। जोड़ दो, अपन चाहते तो घटा भी सकते थे पर हमने जोड़ दिए। देखा जोड़ दें, ये समीकरण एक लिखे, ये समीकरण दो लिखे, जोड़ेंगे तो अब कोई निशान चेंज करने की जरूरत नहीं। x और x मतलब 2x, y धन के और ऋण के y, तो ये y से y कट गए। 180 में 18 जोड़े तो 198, तो 2x बराबर 198, तो 2 से जब 198 को काटे तो ये 99 बार कटा, तो x बराबर आ गया 99। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। समीकरण 1, समीकरण 1 था x प्लस y बराबर 180 अंश। अब यहाँ से हमने x का ट्रांसफ़र करें, ये जो x की वैल्यू रखे थे 99, इसका ट्रांसफ़र करें, 180 में से 99 गए तो आ गया 81, तो y का मान आ गया 81। अतः अभीष्ट हल क्या हो गया, बड़े कोण का मान x बराबर 99 अंश और छोटे कोण का मान y बराबर 81 अंश। तो बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वें प्रश्न, 15 प्रश्न तक के उत्तर आपने देख लिए, अब बात है 16वें प्रश्न की। तो देख लें 16वें प्रश्न का उत्तर, ये क्या कह रहा है 16वां प्रश्न, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। देखें माना बल्ले का मूल्य क्या मान लें हम एक्स रुपये और गेंद का मूल्य क्या मान लें वाई रुपये। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 7 गेंद और 6 बल्ले, ठीक है, सॉरी 7 बल्ले और 6 गेंद, इसका मूल्य कितना था 3800 रुपये, 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपये। ये समीकरण बना लिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों कंडीशन हो गए आपके यहाँ पे। अब हम इसमें क्या करें, विलोपन विधि लगा दें। तो हम क्या करेंगे विलोपन विधि में, समीकरण 1 में ये रहा समीकरण 1, 7x धन 6y 3800, तो इसमें हम क्या कर दें 3 का गुणा कर दें, इसमें 3 का गुणा कर दें, क्योंकि ये 7 को 3 में बदला नहीं जा सकता और 3 को 7 में नहीं बदला जा सकता, मगर इन दोनों को अगर एक दूसरे से गुणा कर दें 3 का 7 में और 7 का 3 में, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दो पूरे में और समीकरण 2 में 7 का गुणा कर दो। तो ये देखिए ये करें हमने, समीकरण 1 ये रहा 7x 6y 3800, सब में 3 का गुणा, ये 3 का गुणा, ये 3 का,
चौड़ा ये 3 का बड़ा, जब बड़ा करें 7 * 21x, 6 * 18y, 38 * 3 में गुणा करें तो 114 और ये 2 0 तो 2 0। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 बना लिए। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस समीकरण को लिखेंगे जो समीकरण 2 रहा, 3x 5y 17 50, इस सब में 7 का गुणा कर दो, ये 7 का 7 का 7 का, तो ये हो गया 21x 7 * 21x, 5 * 7 * 35y और ये हो गए 12 25। ठीक है, 12250, 1750 का 7 में गुणा करें तो इतना आ गया समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा देंगे, घटा दो, ये रहा समीकरण 4 और ये रहा समीकरण 3, घटा दें तो देखो 21x + 35y इतने और 21x + 18y इतने, निशान बदले, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 21 से 21 कट गए, 35 में से 18 गए तो 17y और इतने में से इतने गए तो बचे 850। अब देखें 17 * 17 = 85 और 0 का 0 तो y बराबर आ गया 50। समीकरण नंबर 5, अब हम क्या करें, समीकरण 5 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 जो रहा वो अपना क्या था आपके सामने, यहाँ मैं एक मिनट आपको बता रहा हूँ, ये था हमारा समीकरण नंबर 2, 3x + 5y = 17 50। तो इसमें हम रख दें मान, ये रख दिए 3x + 5y = 17 50, 3x + 5y, तो y की जगह 50 रख दिए, 5 × 50 = 250, 250 का ट्रांसफर करें इस तरफ, ठीक है, तो ये हो गया कितना 1500। अब 3x = 1500 तो 3 से इसको काटते हैं, 3 × 5 = 15 और 2 0 तो 2 0 तो x बराबर आ गया 500। उत्तर लिख देंगे, अतः अभीष्टल एक बल्ले का मूल्य x = ₹500 एवं एक गेंद का मूल्य y = ₹50 होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका ये 16वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम अपने 17वें प्रश्न की, 18वें प्रश्न की, 19वें 20वें 21वें 22वें की, तो जो मैं आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में जो कि इसका आखिरी पार्ट होगा, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, गुड बाय।